नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? क्या कहा? अरे भाई जरा जोर से बोलो, मजे में हो ना सब? ये हुई ना बात। चलो इसी बात पे मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। लाल में नीला मिलाया तो संतरी, नहीं नहीं, लाल में पीला मिलाया तो गुलाबी। ओहो, मुझे ये याद क्यों नहीं हो रहा मीना? अरे महेश भैया, आप? क्या बात है मीना, तुम कुछ परेशान लग रही हो। देखो ना महेश भैया, मैं बेला दीदी से ये किताब लेके आई थी। ये तो रंगों की किताब है। हाँ, इस किताब में दो अलग अलग रंगों को मिला के एक नया रंग बनाने की विधियाँ लिखी हैं। लेकिन मुझे एक भी विधि याद नहीं हो रही। मीना, दो रंगों को मिला के एक नया रंग बनाने की विधि याद करना तो बहुत आसान है। उसके लिए तुम्हें एक तरकीब लड़ानी होगी। तरकीब लड़ानी होगी, बुद्धि चलानी होगी। महेश भैया, आप किस तरकीब की बात कर रहे हैं? अभी समझाता हूँ। हाँ मीना, जरा किताब पढ़ के बताओ तो कि सबसे पहले कौन सा रंग बनाने की विधि लिखी हुई है। लाल रंग में पीला रंग मिलाने से संतरी रंग बनता है। ठीक है मीना, अब जरा सोचो कि तुम्हारे सामने फलों की एक टोकरी पड़ी है जिसमें है सेब, केले और संतरे। लेकिन महेश भैया, फलों का रंगों से क्या लेना देना? तुम सोचो तो सही। ठीक है, सोच लिया। अब दो तीन बार जोर जोर से बोलो, सेब केला संतरा। सेब केला संतरा, सेब केला संतरा। बस हो गई तुमको विधि याद? कैसे, मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई सीधी सी बात है, सेब लाल केले पीले, इन दोनों को जोड़ा तो बन गया संतरा। बन गया संतरी रंग, मिठू तो है दबंग। महेश भैया, रंग याद करने की तरकीब तो बहुत अच्छी है। मीना, अब तो तुम ये विधि नहीं भूलोगी ना? कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी, झूले झूलूंगी। और फिर मीना और महेश बेला की किताब वापस करने गए उसके घर। बेला घर पे नहीं थी, इसलिए मीना ने वो किताब बेला के पिता पोंगाराम जी को दे दी। मीना और महेश वापस जाने ही वाले थे कि तभी पोंगाराम जी ने महेश को आवाज दी। महेश जी। चाचा जी। भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या चाचा जी? यही कि तुम शादी कर रहे हो। क्या महेश बेटा, अभी तो तुम सिर्फ 19 साल के हो। अरे भाई पहले पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर लो, अभी से शादी करके क्या। लेकिन चाचा जी, पिछले हफ्ते बेला के लिए भी एक रिश्ता आया था, लेकिन मैंने तो उन लोगों से साफ साफ कह दिया, भैया मेरी बेला पहले पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तब करूँगा मैं उसकी शादी। महेश बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं, बहुत जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं शादी के बाद। लेकिन चाचा जी। महेश बेटा, अभी ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है ना कोई काम धंधा, ऐसे में तुम शादी कर लोगे तो परिवार का खर्चा कैसे चलाओगे? अरे चाचा जी, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा, मैं तो अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, उसके बाद किसी स्कूल में शिक्षक बनूंगा, तब कहीं जाके शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी शादी कराने के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ बेटा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करनी चाहिए, चलो। पोंगाराम जी महेश और मीना को साथ लेके महेश के पिताजी के पास गए। अरे पोंगाराम जी, आइए आइए। महेश बेटा,
अपने पोंगाराम चाचा जी के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। क्या हुआ, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? पिताजी, क्या ये सच है कि आप मेरी शादी कराने के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं? हाँ, लेकिन पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों? मैं बताता हूँ बनवारी भाई, महेश अभी पढ़ना लिखना चाहता है, स्कूल में शिक्षक बनना चाहता है। स्कूल का शिक्षक? अरे पोंगाराम जी, इस साल ये 12वीं क्लास पास कर ले, उसके बाद ये मेरे साथ खेती बाड़ी करेगा। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। महेश भैया ठीक कह रहे हैं चाचा जी, इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे रंग बनाने की विधि बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ दिनों में तुम 12वीं पास कर लोगे, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा और फिर तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे, बस। पोंगाराम जी ने महेश के पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पोंगाराम जी निराश होके वहाँ से चले गए। मीना भी वापस जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे रानो के पिताजी आ गए। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते कमल चाचा। नमस्ते मीना, जीते रहो महेश बेटा। और बताओ कमल भाई, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बनवारी भाई, इस साल मकई की फसल अच्छी नहीं हुई। तुम्हारे कहने पे मैंने मकई के साथ साथ खेत में कुछ सब्जियां भी बोई थी, लेकिन पता नहीं अब क्या होगा। तुम चिंता मत करो कमल, चलो तुम्हारे खेत पे चलते हैं। पिताजी, क्या मीना और मैं भी आपके साथ कमल चाचा के खेत पे? हाँ हाँ महेश बेटा, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम खेती बाड़ी की बातों में ध्यान दो। चलो कमल भाई। महेश के पिताजी सबको लेके खेत पे पहुँचे। ये देखो बनवारी भाई, तुम्हारे कहने पे मैंने मकई के साथ साथ टमाटर भी बोए थे। पिताजी, मकई के साथ टमाटर कभी नहीं बोने चाहिए। अच्छा महेश बेटा, अब तुम हमें खेती सिखाओगे? पिताजी, पिछले हफ्ते हमें स्कूल में एक पाठ पढ़ाया गया था, उस पाठ में साफ साफ लिखा था कि मकई की फसल के साथ टमाटर कभी नहीं बोने चाहिए। हाँ, अगर मकई के साथ खीरे बोए जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है। बनवारी भाई, तुम्हारा महेश तो बहुत समझदार है। महेश बेटा, खूब दिल लगा के पढ़ना, ताकि तुम हम जैसे किसानों की मदद कर सको। पता नहीं कमल चाचा, मैं आगे पढ़ भी पाऊंगा या नहीं। क्या मतलब? पिताजी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं और। क्या बनवारी भाई, क्या महेश सच कह रहा है? वो मैंने सोचा कि 21 साल से पहले लड़के की शादी करना कानूनी अपराध है, और फिर तुमने ये नहीं सोचा कि अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। कमल, ये तुम क्या? कमल चाचा भी वही कह रहे हैं पिताजी जो पोंगाराम चाचा जी ने कहा था। पिताजी, मैं पढ़ाई पूरी करके शिक्षक बनना चाहता हूँ। हाँ चाचा जी, महेश भैया सच में बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे, इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सुना बनवारी, अरे इसे पढ़ने लिखने दो, कुछ बन जाने दो। अगर अभी से इस पे शादी की जिम्मेदारियाँ डाल दोगे तो फिर ये कुछ नहीं बना पाएगा, ना अपना भविष्य और ना ही एक सुखी परिवार। तुम ठीक कह रहे हो कमल, मैं ही गलत था। महेश बेटा, तुम्हें जितना पढ़ना लिखना है पढ़ो, जो बनना चाहते हो बनो। सच पिताजी? हाँ। महेश भैया, थोड़ी देर पहले आपने मुझे रंगों के बारे में समझाया था, लेकिन अब मैं आपको एक रंग के बारे में बताती हूँ। बताओ तो, इस समय आपके चेहरे पे कौन सा रंग है? मेरे चेहरे पे रंग? नहीं समझे, मैं बताती हूँ, इस समय आपके चेहरे पे है खुशी का रंग। खुशी के रंग, मीना और मिट्टू के संग। भाई वाह, मीना से मिलके मजा तो आता ही है, साथ ही कोई ना कोई जरूरी बात भी पता चल जाती है। चलो दोस्तों, अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। शादी तब करना जब हो जाओ तुम बड़े, पढ़ लिख जाओ और हो जाओ अपने पैर पे खड़े। मजा आ गया, क्या कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक गुदगुदाता मुस्कुराता कह कहे लगाता हुआ गीत। सच
से हमको प्यार प्यारे बाप कहे हम सच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। सच से हमको प्यार प्यारे बाप कहे हम सच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। और बिना वजह क्यों सोचना क्यों करनी माथा पच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। मन से धन से ताकि रहे ना कोई शिकायत तुम्हें कभी जीवन से। बात मेरी ये जोरदार है नहीं समझना कच्ची, हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। हर एक चीज जो हो समय पे बस वही है अच्छी। गाना तो बहुत बढ़िया था और अब समय है हाँ खेलने का। बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। हाँ मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल। जी बहन जी। तो सुनो पहली कड़ी। श से मेरा नाम शुरू है, ज पे खत्म हो जाता, भारत में मेरा जन्म हुआ, मैं दुनिया को खेल खिलाता। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है शाहरुख खान, क्योंकि उनका नाम श से शुरू होता है। रानो क्या शाहरुख खान का नाम ज पे खत्म होता है? ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। महल मेरा 64 कमरों का, गोरे काले साथी, मेरे पास है राजा रानी और है घोड़े हाथी। जो तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन जी ये पहली तो बहुत मुश्किल लग रही है, तीसरी कड़ी भी बताइए ना। ठीक है दीपू। बच्चों अब सुनो तीसरी कड़ी। मेरी बाजी जीतने वाला कहता है एक बात, मैंने तुमको दे दी शह और हुई तुम्हारी मात। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है शतरंज। हाँ मीना बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना? जी बहन जी। आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूँगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।